अजमेर में पद यात्रा क्या, दरअसल में मैं यहाँ जगतगुरु शंकराचार्य आए हुए हैं। 3 दिन का साधना शिविर है पुष्कर में, जहाँ का मेरे को निमंत्रण है। मैं वहाँ जाना चाहता था, तो ना तो उदयपुर में पत्रकार वार्ता करने दी, और पत्रकार वार्ता मैं इस बात की करना चाहता था कि कांग्रेस का चिंतन शिविर वहाँ चालू हो रहा है। कांग्रेस इस बात की चिंता करे कि यहाँ के आदिवासियों की बड़ी बदहाली है, भूख से लोग मर रहे हैं, जबरदस्त भुखमरी है, कुपोषण है, वो लोग पलायन कर रहे हैं, बहन बेटियों का खरीद फरोख्त का धंधा वहाँ पर जबरन किया जा रहा है, धर्म परिवर्तन भी जबरन किया जा रहा है। ऐसे मुद्दों को लेके मैं पत्रकार वार्ता करना चाहता था। जिस होटल में ये कार्यक्रम कांग्रेस का बड़ा हो रहा है, वो होटल का निर्माण अवैध रूप से हुआ है, उससे गहलोत परिवार के आर्थिक संबंध है, ये मैं उजागर करना चाहता था। नदी पर होटल बना दी, जिसका बहाव क्षेत्र पिछोला में जाता है, पिछोला झील में, उसको रोक दिया, और देवास योजना के टनल को रोक दिया, वन विभाग की ज़मीन पर कब्जा कर लिया, पहाड़ काट लिया। ऐसे उसमें कांग्रेस का सम्मेलन नहीं हो, ये बात मैं पत्रकार वार्ता में कहना चाहता था। वहाँ से मेरे को उठा लाए, 2:30 बजे उठाया, अब 7:30 बज गए, और मैं श्रीनाथ जी के दर्शन करना चाहता था, श्रीनाथ जी के दर्शन भी नहीं करने दिए। और मैंने कहा, मैंने भाई ये जिला मैं छोड़ दूँ, और प्रतापगढ़ के धरियाबाद में 3 दिन का आदिवासियों का सम्मेलन है, देश भर के आदिवासी आ रहे हैं 13, 14, 15 को, मेरे को वहाँ जाने दिया जाए, वहाँ भी नहीं जाने दिया जा रहा, यहाँ तक लिया है। तो मैं पुष्कर जाना चाहता हूँ, तो पुष्कर भी जगतगुरु शंकराचार्य के कार्यक्रम में पुलिस नहीं जाने दे रही, आप देख लो कितना पुलिस बल तैनात है, और मेरे को रोक लिया है। सर अब क्या, पदयात्रा कहाँ तक, अब पदयात्रा तो पुलिस जहाँ तक ले जाएगी वहाँ तक जाऊँगा, गिरफ्तारी भी तो नहीं दिखा रहे। गिरफ्तारी देंगे क्या आप? और मैं तो तैयार हूँ, गिरफ्तारी तो नहीं, गिरफ्तार भी नहीं कर रहे, जिला छोड़ेंगे, और गिरफ्तारी से मना भी नहीं कर रहे, जिला पुलिस तो एक ही बात कह रही है, ऊपर से आदेश है, आप उदयपुर में भी नहीं रहोगे, श्रीनाथ जी के दर्शन भी नहीं करोगे, धरियावद में आदिवासी सम्मेलन में भी नहीं जाओगे, और पुष्कर में जगतगुरु शंकराचार्य के साधना शिविर में भी नहीं जाओगे, यानी कि मैं धार्मिक आयोजन भी नहीं ज्वाइन कर सकता, ना मैं मंदिर में जा सकता, ना मैं राजनीतिक सामाजिक कार्यक्रम में जा सकता। ये पुलिस ने इस ढंग से मेरी गला घोंट कर रख रखा है। गाड़ी में खुद एडिशनल SP साहब उदयपुर और एक थानेदार जी और 4-6 गाड़ियाँ आई हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो पुलिस से पूछो, ये अत्याचार क्यों कर रहे हैं, ऐसा दमन क्यों कर रहे हैं, ये जाति क्यों कर रहे हैं, ये तो पुलिस ही बताए। मैंने तो कोई अपराध किया नहीं, ना तो मैं कोई आंदोलन किया, ना हिंसा की। अगर कोई हिंसा करता, कानून को तोड़ता, तो बेशक पुलिस कानून के दायरे में कार्रवाई करती, लेकिन वो भी मैंने नहीं किया। मैं तो शांतिपूर्ण तरीके से अजमेर की सड़कों में चल रहा हूँ, और मांग करता हूँ कि मेरे को पुष्कर जाने दिया जाए जगतगुरु शंकराचार्य के कार्यक्रम में, लेकिन पुलिस ने आगे गाड़ी लगा दी, चारों तरफ गाड़ियां लगा दी। यहाँ से कहाँ? अब यहाँ से देखो, यहाँ पुलिस धक्का मार के ले जाएगी, वहाँ जाना पड़ेगा। पुष्कर, 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 पुष्कर